ऑफ इंडिया ऑन द फ्लोर बोल रहे हैं कि हमें एम्पावर करना है, क्या इसको एम्पावरमेंट कहेंगे जो इन्होंने कल ऑर्डर निकाला है? डीडीसी चेयरमैन हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर वो इलेक्टेड नहीं है। हमारा डीडीसी मेंबर इलेक्टेड मेंबर है। अगर डीडीसी चेयरमैन हम अपने अनंतनाग की बात करें, हमारे अनंतनाग में 14 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, क्या हमारा चेयरमैन यूजरा कमिश्नर के साथ प्रोटोकॉल में बैठेगा? नहीं बैठेगा। उसको अगर बोला गया था कि हम इनको एमओएस कैडेट देंगे, एमओएस प्रोटोकॉल देंगे, ये सरासर ना इंसाफी है और सरासर एक धोखा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि हमें एक होना है। हम यहां बीजेपी नहीं है, हम यहां पीडीपी नहीं है, हम यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम यहां कांग्रेस नहीं है, हम यहां डीडीसी मेंबर, यहां लोगों की आवाज है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वादा किया है कि हम आपके काम करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाएंगे, लेकिन कल के ऑर्डर ने बिल्कुल आयान और बयान किया है कि कोई अकाउंटेबल नहीं, अकाउंटेबल क्यों नहीं है? हमारा चेयरमैन, हमारा मेंबर डीसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। आप ऑर्डर दे दीजिए, अगर हम आज हम अभी इकट्ठे नहीं हुए तो अल्लाह की कसम या सरासर धोखा हमारे साथ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से पूरे आवाज से।